और खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां रॉब झाड़ने वाला फर्जी नेता गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने आरोपी नेता को सरफाबाद से किया गिरफ्तार। आरोपी नेता फर्जी तरीके से गन्ना रखता था। चोरी की फॉर्चूनर कार और फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। फॉर्चूनर कार पर लगा रखा था सांसद का स्टीकर। लोगों पर नेतागिरी का रौब झाड़ता था फर्जी नेता। लोगों को डराने धमकाने परेशान करने के आरोप। आरोपी फर्जी नेता से पूछताछ में जुटी है पुलिस। चोरी की फॉर्चूनर कार और सांसद का स्टीकर, फर्जी गनर, रौब झाड़ने के लिए नेताजी ने अलग इंतजाम किए, लेकिन पुलिस के झांसे में आ चुके हैं और मामले में पूछताछ लगातार जारी है। लोगों को डराने धमकाने के लिए झूठा रौब झूठे सांसद जी ने तैयार किया हुआ था। अजय यादव नाम का एक युवक है, इसके विषय में शिकायत मुझे प्राप्त हुई थी कि ये इसने फर्जी तरीके से गनर लिया हुआ है। लोगों में भय भी इसका व्याप्त था कि पुलिस के गनर का दुरुपयोग करता था, लोगों को परेशान करता था। गलत तथ्यों के बेसिस पे गनर लिया गया था, जांच कराई गई सीईओ साहब के द्वारा, तो इसमें वास्तव में इस तरीके के तथ्य प्रकाश में आए हैं। धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो इनके पास से जो गाड़ी मिली है वो भी दूसरे नंबर की थी, उस पर सांसद लिखा हुआ था गाड़ी पे, वो गाड़ी भी कब्जे में ली गई है और उसका भी प्रकरण से रिलेटेड। ललित हमारे साथ में जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। ललित, क्या कुछ अपडेट है खबर पर? जी बिल्कुल, नोएडा पुलिस, नोएडा के सेक्टर थाना 49 की पुलिस के द्वारा एक नेता की गिरफ्तारी की गई है। नेता क्या फर्जी नेता है और इसके द्वारा जो जिस तरह से एक फर्जी गनर बीते 2009 के हाईकोर्ट के आदेश के चलते इसने एक फर्जी गनर भी लिया हुआ था और उसके बाद से पास में जो गाड़ी जो बरामद की गई सेक्टर 49 पुलिस के द्वारा, उस गाड़ी का नंबर भी फर्जी था, क्योंकि उसकी जो नंबर को अगर जो आईटीओ से डिटेल्स वेरीफाई कराई गई है पुलिस के द्वारा, तो उनमें डिटेल्स में भी काफी भिन्नता पाई गई है। साथ ही जो इसके पास में जो गाड़ी पर एमपी का एक इसने अपना स्टीकर लगाया हुआ था, जबकि इसका किसी भी एमपी से वो गाड़ी किसी भी एमपी की नहीं थी। इसके बाद जो इसके द्वारा जो काम किए जाते थे लगातार लोगों के ऊपर दबाव बनाना, अपनी नेतागिरी उन लोगों के ऊपर दिखाना, उस चीज को चलते जो एसएसपी नोएडा को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई और उसमें जो एसएसपी नोएडा के द्वारा जांच की गई तो सारे तथ्य इनके फर्जी पाए गए और उसके बाद में सेक्टर 49 पुलिस के द्वारा एक गिरफ्तारी की गई है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए।